हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो आजकल मैं जब भी सुबह आता हूँ तो मुझे कोई ना कोई न्यूज़ पता चलती है। एक्चुअली ये जो न्यूज़ आज मैं बताने वाला हूँ ये 23 को ही पता चल गई थी, लेकिन मैं वीडियो इस पर बना नहीं पाया था। तो आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि डेली मैं यही बोल रहा हूँ, गेट 2022 को सुनहरे मौके लेके आने वाला है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि गेट 2022 सभी बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी मतलब डेली मिल रही है। कोई ना कोई PSU अपना नोटिस निकालते जा रहे हैं कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं गेट 2022 से। और ये न्यूज़ लास्ट ईयर सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था, मतलब कोई PSU कब बोलेगा कि गेट से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो डे बाय डे आप देखो एक न एक न्यूज़ आपकी आती जा रही। तो अभी आपका रिसेंटली आप देखो बहुत सारे आपके ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन सबको दे दिया गया है, गेट 2022 को आप अच्छे से भैया करो, हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, आप अपनी काबिलियत सिद्ध करिए, हम आपको मौका जरूर देंगे कि आप यहाँ पे जॉब करिए। तो इसी जो दौर में जो नंबर ऑफ PSUs आपके निकल रहे हैं, चाहे IOCL हो, चाहे आपका नालको हो, चाहे आपका गेल हो, चाहे आपका DMRC हो, चाहे NPCIL हो, ऐसे इसी रेस में जो PSUs की वैकेंसीज का अभी जो चल रहा है मामला, इसमें NMDC ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम गेट 2022 से बच्चों को अच्छे से देना है और हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन मौकों को बिल्कुल जाने मत देना। देखो जो भी अपॉर्चुनिटी आती जा रही है, अपॉर्चुनिटी कभी कभी वेट कराती है आपको कि आप थोड़ा और पेशेंस रखिए, और अब आपके पास रिपीटेडली आपके इंफॉर्मेशन आते जा रहे हैं। तो आप बेटा इस मौके को जाने मत दो, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटी निकल रही है आप अपनी मेहनत पे बिलीव रखिए। ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे गेट 2022 जबरदस्त तरीके से हैंडल करना है। तो जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NMDC, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो। अनाउंसमेंट का केवल नोटिफिकेशन आया है कि हम गेट 2022 से हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट है स्पेशली फॉर द छत्तीसगढ़ के लिए होने वाला है। मतलब ऐसा उसमें मुझे जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि NMDC बहुत सारे प्लांट्स को एस्टैब्लिश करने वाली छत्तीसगढ़ में, तो यहां के लिए ही स्पेशली होगा रिक्रूटमेंट, और गेट 2022 से ये सबसे बड़ी खबर है। ओके, तो फिर से गुड न्यूज। मैं जब भी मुझे कोई मिलती है, कई सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे उनको एक मोटिवेशन मिल सके कि जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे क्या क्या चीजें उनको हासिल हो सकती है। IIT से MTech तो एक बहुत बढ़िया चीज है जो आप कर ही सकते हो, NITs में आप जा सकते हो, लेकिन जब भी PSU आता है, क्योंकि हमारे देश में जॉब को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और उसके पीछे रीजन में हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतने एक्सपेंसेस हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर एक इंसान पे, कि जॉब को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और वैसे भी हमारे देश में थोड़ा जॉब की शॉर्टेज रहती है, बट इट्स ओके, जो आ रहा है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके हम आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन कोशिश पूरी करेंगे कि हम ऐसी जगहों पर पहुंच सकें और अपने आप को सिद्ध कर सकें। यस, मैं तैयारी किया, मेहनत किया, और मैं भी सेलेक्ट होके दिखाया। तो आप सबको बेटा एकदम रेडी रहो ना। तो अभी जितने लोगों ने G2.0 के मेंबर बने राइट नाउ, ठीक, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, अब शायद उनको एहसास हो रहा होगा। तो 10-15 दिन तक मैंने कहा था नेक्स्ट कोई बुकिंग नहीं स्टार्ट होगी, तो नहीं स्टार्ट होगी। अब जाके टाइम आ गया है, क्योंकि पहले दो सब्जेक्ट आपके जस्ट आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका एनालॉग एंड मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट होने वाला है। तो 29th को सब रेडी जरूर रहना, और स्टार्टिंग के जो लास्ट टाइम मैंने हाफ एन आवर दिया था, इस बार मैं उसको 1 आवर रखा हूं। तो स्टार्टिंग 1 आवर बिल्कुल मत जाने देना ना, क्योंकि वही आपके लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट होगा G2.0 की, जो नेक्स्ट बुकिंग होने वाली है, और वो 29 को नेक्स्ट बुकिंग होगी, उसके बाद फिर से वो क्लोज कर दी जाएगी। क्योंकि मैं इस बार थोड़ा सा सारी प्लानिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया हूं, पूरे मॉडल को मैं चेंज कर रहा हूं। अब हमको ना फालतू का 15 दिन तक ये करो वो करो, हाँ ठीक है बेटा आ जाओ ना, इसमें G2.0 में आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हो, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो। इवन जो डेली आपको लेक्चर मिलते हैं वो भी जितना मैं डिसाइड करके देता हूं उतना ही केवल मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता। पूरा सब्जेक्ट दे दिया जाए, ये दे दी जाए, ऐसा दे दी जाए, वैसा दे दी जाए, ओके, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि ये बहुत ही जो हाइब्रिड मॉडल हम लोगों ने बनाया है इसका सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना।
और बच्चों को इसका एहसास होना इंपॉर्टेंट है. व्हाई दिस हाइब्रिड मॉडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाई सच काइंड ऑफ क्रिएटिविटी हैज बीन इन्वॉल्व इन जेनिक एजुकेशन. तो पंकज सर को सोच समझ के करें हैं ऑब्वियसली, और सोच समझ किए हैं तो बच्चों को बेनिफिट ही होने वाला है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है. ओके चलिए, तो फिर ऐसी कोई और न्यूज आएगी तो मैं इसी के साथ आपको इंटीमेट करता रहूंगा और कुछ गाइडेंस भी आपको देता रहूंगा, आप चिंता छोड़ दीजिएगा. ओके तो 29 तारीख को आप सब रेडी रहना रात को 9 बजे. ओके जय हिंद, थैंक यू.